बताइए कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। हर रोज की तरह आपके समक्ष हूं। राशियों का हाल जान लीजिए। सबसे पहले नंबर है मेष राशि वालों का। मेष राशि वालों आज खुश रहेंगे, पुरानी परेशानियां दूर होने के योग हैं। आज बुधवार है, कहा गया बुध सब शुद्ध, इसलिए परमात्मा का नाम लें, सफल होंगे। गणेश जी का ध्यान करते हुए पीला पुष्प उन्हें समर्पित करें, कल्याण होगा। बांबे करेंगे कल्याण। नंबर दो राशि वृक राशि के बारे में बात कर लेते हैं। आज जो भी काम करेंगे, पूरा प्रयास करें, उसका लाभ प्राप्त होगा। पुराने लक्ष्य को लेकर प्रयास करेंगे तो वो पूरे अवश्य होते दिखाई दे रहे हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा में इजाफा होने के योग हैं। लोग आपसे खुश रहेंगे। आज कोशिश ये करें एक उपाय के लिए गरीब लोगों की सेवा करने का प्रयास करें, लाभ होगा। मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से क्या लिखा है। मांबे करेंगे कल्याण। सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है और परिवार के साथ किसी न किसी कारण से सेहत में परेशानी आने के योग दिखाई देते हैं। बेवजह पैसा खर्च होने के योग है। उपाय के तौर पर आज आपको, आज सप्तमी है तो आज गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य को जल दें, कल्याण होगा। मांबे करेंगे कल्याण। कर्क राशि वालों, आपका दिन अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। शाम तक कोई शुभ समाचार प्राप्त होने के योग है और साथ साथ कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो गणेश जी का ध्यान करते हुए लाल सिंदूर उन्हें समर्पित करें और कार्य आरंभ करें। सिंह राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से चिंता होती दिखाई दे रही है। आज आपको इंतजार करना होगा, इंतजार बेकार ज्यादा दिखाई दे रहा है। मन को स्थिर रखने का प्रयास करें। फैसलों को लेकर खासतौर पर सहयोग आपको प्राप्त होगा। सूर्य को का दर्शन करते हुए उन्हें मीठा अर्घ्य समर्पित करें, कल्याण होगा। कन्या राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से पुराने कामों में नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। पुरानी जिम्मेदारियों से परेशानी आती दिखाई दे रही है। किसी से वादा ना करें, पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें हैं और जरूरतमंद कन्याओं को धन का दान करें। तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से पैसे संभल कर खर्च करने का प्रयास करें। किसी को उधार बिल्कुल ना दें। भीड़ भाड़ में जेब कटने के योग दिखाई देते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। नुकसान से बचना चाहते हैं तो भगवान को इत्र समर्पित करें, कल्याण होगा। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन मिला जुला सा रहता दिखाई दे रहा है। कोई एक काम नया काम मिलता दिखाई दे रहा है। आज कहीं से धन खर्च होने के ज्यादा योग दिखाई देते हैं। आज कोशिश ये करें भगवान शिव को गन्ने के रस के द्वारा अभिषेक करने का योग बनाएं, कल्याण होगा। धनु राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आज का दिन अच्छा जाएगा। सोचा हुआ काम पूरा होने के योग बनेंगे। आज लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास जरूर करें, सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। उपाय के तौर पर बासा भोजन ना करें, कल्याण होगा। मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से जीवन में परिवर्तन के योग चल रहे हैं। इच्छा पूरी होने के संकेत मिल रहे हैं, परंतु जिमान पे कंट्रोल रखने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नया सामान आता दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर अच्छा है कि आज तेल ना लगाएं, कल्याण होगा। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आज कामकाज में और सम्मान में इजाफा होने के योग दिखाई देते हैं। धन खर्च कुछ अधिक हो सकता है। बेकार की चीजों पर धन खर्च करने से बचने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर हरे वस्त्र का इस्तेमाल न करें। मीन राशि वालों, आज पैसा आने के योग दिखाई देते हैं। व्यापार में लाभ होने के योग बनेंगे और खास तौर पे कुछ अच्छी प्रमोशन के संकेत भी मिल सकते हैं। नई सामान खरीदने के लिए अच्छा योग बन रहा है, बच्चे पसंद रहेंगे। उपाय के तौर पर केसर का उपयोग करना चाहिए, लाभ होगा। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाए और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।